तरह से मनमानी ताकतों के खिलाफ बहुजन समाज इकट्ठा हुआ है और केंद्र सरकार के साथ साथ जो दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार है, जो मनमानी सरकार है, जिसको बनिया की सरकार हम लोग कहते हैं, उन्होंने जिस तरह से दिल्ली में बाबा साहब के नाम 65 एकड़ की जो जमीन थी उसको मात्र इस समय 5 एकड़ तक सीमित कर दिया है, उसमें भी सरकार का नाम लेके, स्कूल का नाम लेके उस जमीन पर हथियाने का काम कर रही थी। लेकिन समय से पहले बहुजन समाज के युवाओं ने उसको देख लिया, समझ लिया और उसके खिलाफ एक आंदोलन किया और आज दिल्ली गेट से लेके केंद्रीय सचिवालय पे जो आंदोलन हुआ है, इसमें दिल्ली सरकार की जो केजरीवाल सरकार है इसको मुंह की खानी पड़ी है। इन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है और आश्वासन दिया हमारे समाज को कि ये जो काम है रुक जाएगा और जो जमीन है बाबा साहब के नाम ही रहेगी। आपको बता दूं कि 1972 के समय ही बाबा साहब के नाम में वो 65 एकड़ जमीन हो गई थी, लेकिन वहाँ पे मनवादी तंत्र के साथ मिल के कुछ मनवादी ताकतें उस जमीन को कटने का काम किया और इस समय मात्र 5 एकड़ के आसपास वो जमीन पर है। तो उसके लिए इस देश भर से जो दिल्ली में खासकर दिल्ली के लोग आए हुए थे और केंद्रीय सचिवालय पर हम लोग इकट्ठे हुए और केंद्रीय सरकार केजरीवाल सरकार उस बात को मानने के उसने जो हमारे महापुरुषों की जगह को तोड़ने का जो काम किया था, जो जगह हमारे महापुरुषों के लिए दी गई थी उस जगह को बचाने का जो काम किया था, उस जगह को छुड़ाने के लिए हमारी हुआ है और आज हम यहाँ दिल्ली सचिवालय का घेराव करने के लिए आए हैं। मैडम, क्या कारण है कि बाबा साहब के नाम से जीत के तो आते हैं लेकिन संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर बैठने के बाद में वो बाबा साहब को ही भूल जाते हैं? देखिए, इसमें साफ सीधी सी बात है, जो मनुवादी विचारधारा वाले लोग हैं उनको अम्बेडकराइज विचारधारा बिल्कुल पसंद नहीं आती और ना ही वो अम्बेडकराइज जो व्यक्ति हैं वो पसंद आते हैं। वो नहीं चाहते कि जो बाबा साहब को मानने वाले हैं वो लोग उनके ऊपर हुक्म चलाएं, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो अम्बेडकरवादियों से सबसे डरते हैं और कोशिश ये करते हैं कि उनको रोका जाए। लेकिन ये भूल गए हैं कि बाबा साहब ने हमारे अंदर उतना फौलाद भर दिया है, इनसे कहें कि बाप से भी हम रुकने वाले हैं। मैडम, जिस तरीके से आंदोलन हुआ उस आंदोलन के अंदर महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी थी। बिल्कुल, जब हमारे ऊपर, हमारे महापुरुषों के ऊपर ये जब हमला करेंगे तो हमारी माँ बहनों को भी दुख होता है, हमारे बच्चों को भी दुख होता है, क्योंकि हमें पता ही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए समस्याएं जो खड़ी कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी दुखी रहे और इसीलिए हम सभी लोग एकत्रित होकर के और इन मनुवादी विचारधारा वाली सरकारों को ये सबक सिखा देना चाहते हैं कि ये हरकतें बंद कर दें, क्योंकि अगर इस तरीके की हरकतें तुम करोगे तो आने वाले जो आगामी जो चुनाव है जिनके हमारी वजह से जो तुम सत्ता में बैठे तो तुम्हें हार फेंकने का काम भी हम लोग करके रहेंगे। मैडम, आज बाबा साहब की एक बात पूरी होती नजर आ रही है। बाबा साहब ने कहा था कि जिस समाज के अंदर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी और उस समय महिलाएं अपना अधिकार लेना सीख जाएंगी। जी बिल्कुल, बाबा साहब की ये बात बिल्कुल एकदम सत्यार्थी नजर आ रही है। जिस प्रकार से बाबा साहब ने कहा कि हमारा जो बहुजन समाज है, अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वो समझ चुकी होंगी कि हमारे पर जो अत्याचार होते हैं उनका जो इलाज है वो क्या है, उनकी जो हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो शिक्षा प्राप्त करके ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा कि महिलाओं को जितना पढ़ाओगे, शिक्षित करोगे, उतना हमारा समाज मजबूत होगा। सारी नौकरी करती है इन्होंने तो वो कहाँ से तो घर बनाएगा, कहाँ से वो बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि नेताओं के बच्चे तो स्कूल में पढ़ते नहीं हैं, वो तो विदेशों में चले जाते हैं, रह जाते हैं यहाँ के दलित बच्चे, तो उनके लिए जो स्कूल है वो भी आधे से ज़्यादा इन्होंने बंद कर दिए। और जब अत्याचार शुरू हुए तो हमारे लोग जान से चले जा रहे हैं और ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना हमारे ऊपर अति करेंगे उतने हमारे लोग जागरूक होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।